to be yours. मम्मी जी, हमने लिस्ट बना ली है, आप एक बार देख लेना। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो इसमें तो हमें बता दीजिए, और आपके लिए ड्रेस हम खुद लेकर आएंगे अच्छे से सिलेक्ट करके। नहीं नहीं, बस जो आप बच्चे लोग कर रहे हैं बस। So that's all. साथ तक हमने पार्टी की सारी प्लानिंग तो कर ली, पर ये पार्टी है कब? अब डेट के बारे में हमें भी नहीं पता, मायरा मैम जल्दी बता देंगी। जैसे हमें पता चलेगी हम आप सबको बता देंगे। ये लो, तुम डेट के बारे में पूछ रहे थे ना, मायरा मैम का मैसेज है, पार्टी परसों है। परसों तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, पर उस दिन ये पार्टी, अब क्या करें? सार्थक, पार्टी परसों है ना, तो हमारे पास कल का दिन तो है। हाँ सार्थक, हम आपका प्लान समझ गए हैं, फाइनल डिस्कशन कल करके बाकी चीजें फाइनल कर लेंगे। यस सार्थक, कल का पूरा दिन है हमारे पास, तो विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, नाइस प्लान सार्थक, कीप इट अप। थैंक यू, सी यू गाइस। ऑफिस की पार्टी और मम्मी पापा की एनिवर्सरी एक ही दिन, अब क्या करें, कैसे मैनेज करेंगे दोनों? कुछ समझ नहीं आ रहा, मायरा मैम से बात करके पार्टी की डेट शिफ्ट करवाने की कोशिश करते। क्या हुआ पापा? बेटा, तुम्हारा और हमारा जो जॉइंट अकाउंट था, ये उसका एटीएम कार्ड, हम चाहते हैं कि तुम ये रख लो। नहीं पापा, ये हम नहीं रख सकते, इसकी क्या जरूरत है? बेटा, बात जरूरत की नहीं होती है, बात हक की। तुमने हमें जो इन्वेस्टमेंट का सुझाव दिया था याद, ये उसी का रिटर्न। देखो बेटा, हम जानते हैं सत्येंद्र जी की क्या हालत है, इतना बड़ा फंक्शन कर रही हो, बहुत सारे खर्चे होंगे, तुम्हें जरूरत होगी, और फिर तुम्हारा भी तो मन होगा उनके लिए कुछ करने का। पापा, जब हमने उस घर में शादी की थी तो उस घर के साथ साथ उस घर के हालात और तरीकों को भी अपनाया था, जो है हम उसमें ही सब मैनेज कर रहे हैं और सब वहीं के हिसाब से कर रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रख लीजिए ना। बेटा, हम समझते हैं तुम्हारी बात, पर अपने पैसे को अपने पास रखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है, रख लो। नहीं पापा, ये दृष्टि, बेटा शादी के बाद क्या तुम इतनी पराई हो गई हो कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी चीजें नहीं दे सकते? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। दृष्टि, मम्मी पापा का आशीर्वाद समझ कर रख ले बेटा। ठीक है दादी।